Yo, what's up guys, Jordan Gamer here, my name is Trevor, welcome back to another new episode of GTA 5. So how are you all? I hope you will be good, घर पर होंगे और लगातार GTA 5 की गेम प्ले सीरीज देख के एंजॉय कर रहे होंगे। तो गाइस आप लोगों ने तो पिछले एपिसोड में देखा होगा मिलिट्री कर्नल जो बन चुका है यानी एक तरह से माइकल, उसके भाई जर्मन शेफर्ड मारे गए थे एक हादसे में, वो दोबारा आ चुके हैं दोस्तों। तो वीडियो आपने नहीं देखा जाके देख लो। तो गाइस अभी मैं सी साइड से निकल रहा था यहाँ पर और कुछ बंदे ने मेरे को दोस्तों जो है चैलेंज किया हुआ है कि भाई तुम हमसे रेस करो, और मेरे ऊपर काफी ज्यादा हंस भी रहे थे और भाई ट्रेवर के ऊपर हंस रहे थे। सोचो आप लोग, ट्रेवर जो इतना अग्रेसिव बंदा है, तो मैं तो सोच रहा था चलो इनसे रेस कर ली जाएगी और उसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है दोस्तों। प्राइस जो उसका रखा गया है, एक कार रखी गई है फॉर्मूला वन कार, बहुत ही ज़्यादा लग्जरी है और पूरी की पूरी रोबोटिक्स है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मस्त कार लगेगी आप लोगों को अगर हम वो रेस जीतते हैं तो, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे करना क्या है यहाँ पर, मैं सोच रहा था कि जस्ट मैं सी साइड पर था और यहीं पर मलिबू मेंशन बहुत पास पे ही है, तो माइकल के घर में थोड़ा सा हो लिया जाए, ठीक है। तो अभी दोस्तों माइकल ने क्या क्या अपना लगा रखा है, क्या कुछ कर रखा है, वो सब देखना है। वैसे उसे सब पता है क्योंकि लेस्टर जो है टाइम टू टाइम अपडेट करता रहता है फ्रैंकलिन ट्रेवर को, सब कुछ बताता रहता है कि माइकल अभी कर क्या रहा है, ठीक है। तो पिछली बार उसने दोस्तों टेररिस्ट को तो बचाया था, आप लोगों को तो पता ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर गाइस अभी ट्रेवर जो है एक रेस करेगा, रेस में अगर वो जीतता है कार तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा मेरे को भाई, फॉर्मूला वन कार मिलेगी ट्रेवर को, ठीक है। और उसके बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हो अभी कि हम फाइनली मलिबू मेंशन पे पहुंच चुके हैं, ठीक है। अब इसकी जो सिक्योरिटी थी वो कल जितने भी शहीद हुए थे बंदे उन सबको लेके चला जाया गया है, और यहाँ पर दोस्तों आप लोगों के लिए नई सिक्योरिटी जो है मिल जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कार बिल्कुल यहाँ पार्क करूँगा, ये बिल्कुल मेरे घर जैसा ही है दोस्तों, ठीक है। मैं भी आऊँगा तो मेरे लिए भी गैराज ओपन हो ही जाते हैं एक तरह से, तो भाई मैं भी एक तरह से इसी घर का एक हिस्सा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो उसकी कार खड़ी है जो कि हर बार वो मॉडिफाइड कराता रहता है माइकल जनरल, ठीक है। और उसके कुछ यहाँ पे पेट्स हैं मेरे ख्याल से, हाँ आगे की तरफ में यहाँ पे पेट्स रखे हुए हैं आप लोग देख सकते हो, तीन पग रखे हुए हैं उसने, और उसके साथ ही साथ दोस्तों तीन जर्मन शेफर्ड है जो इसने कल खरीदे हैं, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया, अगर आपने नहीं देखा चलो देख लो, बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं। तीन पग ट्रेसी के हैं और भाई एक मंकी है और एक गाइस दोस्तों साथ में हमारे डियर है। पिटबुल का आता पता नहीं है भाई कहाँ भाग जाता है पता नहीं, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ कि कार रेस में जा रहे हैं, कार रेस में नहीं दोस्तों हम लोग रेसिंग करने जा रहे हैं, तो भाई इन्हीं में से कोई एक कार लेके चला जाए, ठीक है। तो मैं सोचता हूँ बीच वाले लेके चलते हैं, लेकिन गाइस फिर मेरे ख्याल आ रहा है कि भाई वहाँ अगर मैं जीतूंगा वो वाली कार फिर उसको चलाऊंगा कि इसको चलाऊंगा, तो भाई माइकल का जो है नुकसान हो सकता है इसमें, मतलब उसकी ये वाली कार वहीं खड़ी रह सकती है, ठीक है। तो ये एक बेकार बात हो जाएगी। तो माइकल मुझे मलिबू मेंशन में नहीं मिला, लगता है कहीं ना कहीं बिजी होगा दोस्तों, कोई बात नहीं अभी। लेकिन भाई मेरे पास अभी ये वही अपनी वाली कार है जो कि एडर है, बुकाटी एडर, इसको जल्दी से लेके चलते हैं अपनी डेस्टिनेशन पर। तो डेस्टिनेशन अपनी काफ़ी ज़्यादा दूर है दोस्तों, शैंडी शोर पर दोस्तों, एक सी साइड पर ये रेस कंडक्ट हो रही है, ठीक है। तो जो रेस का जो वो है भाई बहुत ज़्यादा खतरनाक है, मतलब रेस में आप लोगों को बहुत कुछ देखने को मिलेगा, ठीक है। रेस दोस्तों जो है उन बंदों ने मेरे को दोस्तों उकसाया था, मेरे को हंसा था मेरे ऊपर, और भाई बोल रहे थे कि तुम भाई मुझसे कभी जीत ही नहीं सकते। तो भाई ट्रेवर ने एज अ चैलेंज इसको एक्सेप्ट किया एक तरह से, और जल्दी से भाई मैं यहाँ से निकलता हूँ सैंडी शोर के रास्ते पर। तो आप लोग देख सकते हो बुकाटी एडर में भगाते भगाते लेके पहुँच चुका हूँ। तो फाइनली आप लोग यहाँ पे देख सकते हो गाइस, जल्दी से मैं नीचे यहाँ पर आ रहा हूँ, और नीचे आने के बाद यहाँ पर दोस्तों जो है बगल में सैंडी शोर में जस्ट यहाँ पर रेस जो है कंडक्ट हो रही है। पुलिस वालों ने दोस्तों एक तरह से कार रखी हुई है जो कि कार काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। और ये काफ़ी ज़्यादा उतावला हो रहा है, और गाइस कैसे ठोक रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ट्रेवर काफ़ी ज़्यादा उतावला हो रहा है वो रेस जीतने के लिए। और जैसे ही हम रेस जीतेंगे ना भाई उन्हें पकड़ के मारेंगे कि भाई तुम लोग ही वो बंदे थे जिनके कारण दोस्तों मेरे को ये रेस करनी पड़ी, ठीक है भाई। रेस कर रहे हैं, ये वाली कार भी चली जाएगी और नई कार हमको मिल जाएगी, तो मेरे ख्याल से मैं तो जीतूंगा ही, मुझे पता ही है, ठीक है। इतना ओवर कॉन्फिडेंस भी ठीक नहीं है ट्रेवर, ठीक है। लेकिन भाई चलो चलते हैं, अभी यहाँ पे नीचे आके आप लोग देख सकते हो सामने की तरफ में जो है रेस कंडक्ट हो रही है। तो इसके लिए हमें जो है ये दोस्तों कोई कार रेस नहीं है, सी शार्क पे हमको दोस्तों रेस करनी है, ठीक है। सी शार्क क्या है और प्राइस मैं आप लोगों को बाद में दिखाता हूँ। वैसे तो प्राइस हम लोग दोस्तों चार मुक्के मार के भी ले सकते हैं, लेकिन भाई जीता हुआ प्राइस अलग ही प्राइस होता है, ठीक है। आप लोग को ये वाली फीलिंग अजीब ही आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। तो ओके गाइस फाइनली आप लोग देख सकते हो चार बंदे हम लोग, और यही तीन बंदे थे जो हरामी मेरे को जो है यहाँ पर एक तरह से कर रहे थे, ठीक है, मतलब प्रोवोक कर रहे थे कि भाई आ या वाली रेस कर, ठीक है। अब देखते हैं भाई कौन जीता, भाई लाल वाला बंदा काफ़ी ज़्यादा तेज चल रहा है आप लोग देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है।
बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है आप लोगों को अभी देखना गाइस, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। मतलब ये वाली जो रेस है और इसके जो रास्ते बने हुए हैं वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक और काफ़ी ज़्यादा तीखे हैं। और भाई क्या गजब का पानी है ये देखो भाई साहब, मज़ा आ गया खेल के। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों ये वाली रेस में सबसे आप नीचे तरफ देख सकते हो, जहाँ पर दोस्तों स्पीडोमीटर है वहाँ पर आप देख सकते हो पोजिशन 4 बंदे हैं, उसमें से मैं सबसे पहले नंबर पर चल रहा हूँ और टाइम कवर मैंने कर लिया है 29 सेकेंड का। गाइज आप लोग देख सकते हो यार कितना ज़्यादा खतरनाक पानी है, एकदम जैसा लग रहा है भाई रियल चल रहा हो यहाँ पर। ठीक है, मतलब GTA 5 की क्वालिटी बहुत ज़्यादा खतरनाक है यार, मतलब जो इसके ग्राफिक्स वगैरह हैं वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। ठीक है, तो आप लोग जरूर से कमेंट करके बताओ यार आप लोगों को GTA 5 गेम लगती कैसी है। ठीक है, वैसे ऑब्वियसली बात है देख रहे होंगे तो भाई गेम तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। ठीक है, बाकी दोस्तों रेस काफ़ी ज़्यादा चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो गाइस बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है मेरे को भी। और ट्रेवर भाई सबसे पोजीशन नंबर 1 पे चल रहा है अभी। सालों तुम चारों तीनों जितने भी हो ना रेस में सारे के सारे आगे आ जाओ और मैं अभी इन्हें बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग दोस्तों एक मैंने बात यहाँ पर नोटिस की है कि यहाँ पर पानी के आसपास काफ़ी ज़्यादा हाथी हैं। ठीक है, और वो भी कलर चेंज कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा चल क्या रहा है यहाँ पर, लेकिन भाई ये लोग काफ़ी ज़्यादा कलर चेंज कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो चलो गाइस कोई बात नहीं, हमें भाई अपना रेस में ध्यान देना है अभी। तो बहुत ही ज़्यादा मेरे को मतलब एक तरह से लग रहा है, ये देखो भाई एक और हाथी है और यहाँ पे भी 2 हाथी हैं आप लोग देख सकते हो, और इनके भाई कलर चेंज हो रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है लेकिन चल काफ़ी। ओ बैंकर गुड यार, ट्रेवर सबसे पोजिशन नंबर 1 पे चल रहा है ये बंदा, और भाई ये आज रेस जो है जीत के रहेगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो गाइस काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है मेरे को। ठीक है, और भाई वो वाली कार हमारी होके रहेगी प्रूफ के साथ। ठीक है, अब वो जो पीछे तीनों बंदे आ रहे हैं ना उन्हें भाई मैं पकड़ पकड़ के मारने वाला हूँ कि भाई हाँ क्या बोल रहे थे तुम लोग, और जान से ही मारने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि भाई एक तरह से जो ट्रेवर है वो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव बंदा है। फर्स्ट प्लेस लगी है दोस्तों रेटन कैनन में और रिजल्ट आया दोस्तों 4 में से 1। ठीक है, गोल्ड मिला हमें। कंटिन्यू करते हैं इस रेस को, और इसके बाद ये आगे बंदे जा रहे हैं, तेरी ऐसी कहते साले भगोड़ो, अभी जल्दी आता हूँ मैं, रुक जाओ। तो भाई साहब कहाँ चला रहा है भाई ट्रेवर। ओ गाइज आप लोग देख सो हाथी कितने ज़्यादा हैं यहाँ पर, ओ बैंकर आप लोग देख सकते हो। चलो ठीक है, जल्दी पकड़ भाई ने ट्रेवर, जल्दी पकड़, बिल्कुल तेजी में एकदम चला दे अपनी शार कब। अब जल्दी से मैं जाता हूँ और भाई इन बंदों को तो ठोक के ही आऊँगा। ठीक है, क्योंकि भाई इन बंदों ने जो मेरे को प्रोवोक किया है ना करने के लिए, मेरी जो बेइज्जती की है उससे मेरे को बहुत ही ज़्यादा बेकार लग रहा है। स्टन गन नहीं माननी यार, आराम से कोई बढ़िया पिस्टल निकाल। और अब पहले हमने ये बहुत काम कर रखे, वो भाई बाहर निकल निकल के मार रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे गाइस सबको भाई मैंने यहाँ पे किल कर दिया है। ठीक है, तो गाइज अब दोस्तों हम लोग विनर बन चुके हैं। अब मैं जल्दी से ना ये वाली जो है यहाँ से निकलता हूँ और आप लोगों को ना डायरेक्ट मिलता हूँ जहाँ पे प्राइस सेरेमनी है, जहाँ पे हम लोगों को प्राइस मिलेगा वो वाली कार, और मेरे को डायरेक्ट लेके वहाँ से निकल लेना है और भाई मेरा काम जो है वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखो चारों तीनों बंदे फिर से यहाँ पर आ चुके हैं। ये बंदे वो हैं दोस्तों जो नेक्स्ट रेस के लिए रेडी हैं, यहाँ पर रेस चलती रहती है गाइज, और ये भाई मेरे से काफ़ी ज़्यादा डर गए हैं। पुलिस वालों आप जल्दी से हट जाओ, और यहाँ पर दोस्तों ये कार जो है मेरी हो चुकी है। ठीक है, तो गाइस मैंने गाइस ऐसा लग रहा है ये भाई कुछ ना ताली बजा रहा है, एकदम पुतलों की तरह खड़े हुए हैं गाइस, ये पता नहीं फील नहीं दे रहे यार ऐसा, कोई तो कैमरे वगैरह बुला लेते पर मुझे क्या, मुझे मेरी कार मिल गई। और गाइस ये फॉर्मूला 1 कार जो है काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार कार है। ठीक है भाई, इसको मैं अंदर से आप लोगों को दिखाऊँगा ना तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पर जल्दी से मैं निकलता हूँ और आप लोगों को जल्दी से बताता हूँ कि करना क्या है। ठीक है, तो यहाँ से मैं जल्दी से पीछे वाले में निकलता हूँ और इसको एकदम तेज़ी में रोड में भगाने वाला हूँ और इसके अंदर के लुक्स दिखाने वाला हूँ आप लोगों को। मतलब बहुत ही ज़्यादा मेरे को जो है मज़ा आने वाला है इस वाली कार के साथ। ठीक है, तो ट्रेवर ने फाइनली जीती हुई कार इस बार चलाई है, किसी ने चुराई नहीं है। तो मेरे ख्याल से फ्रैंकलिन, माइकल और ट्रेवर तीनों जो है अच्छे ही काम कर रहे हैं एक तरह से आजकल, गैंगस्टर वगैरह इन्होंने छोड़ दिए। लेकिन भाई जो 3 बंदे वहाँ पर हमने मार दिए वो गलत काम किया है, पर कोई नहीं, वो उन्होंने भाई मेरे ऊपर हंस रहे थे और बेइज्जती कर रहे थे मेरे, इसलिए मैंने किया। काय भाई साहब आप लोग देख सकते हो क्या कार है भाई, प्रेगा करके ये कार है, और गाइस अंदर से क्या लुक है यार इसका, मतलब मैं तो भाई चकाचौंध हो गया एक तरह से। ओ भाई साहब आप लोग देख सकते हो यार कितनी खतरनाक कार है यहाँ पर। ठीक है, अब जल्दी से मैं आगे की तरफ में निकलता हूँ और जहाँ पर आप लोग देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक से ये चल रही है वाली कार। ठीक है, क्या खतरनाक कार है भाई, गजब एक तरह से लग रही है, वो पूरी की पूरी रोबोटिक्स है। तो ओके गाइस, जैसे ही मैं आप लोगों को ये वाली कार दिखा रहा था यहाँ पर मेरे को लेस्टर का कॉल आ चुका है, और बात जो है काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। जितने भी टेररिस्ट है भाई, माइकल जनरल को उन्होंने किडनैप कर लिया है भाई, अब आया है ना मेन ट्विस्ट। तो अब मैं इस कार को ना, आप स्पीडोमीटर पर ध्यान दो, मैं आप लोगों को स्पीड बताता रहूँगा। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो लगातार बहुत ही ज़्यादा तेज़ में ये वाली कार लेके जाना, पहले जो उसने मेरे को लोकेशन भेजी है लेस्टर ने वो यहाँ पर है, काफ़ी ज़्यादा दूर है यार, मतलब कम से कम 3 माइल्स का रास्ता है
बहुत ज़्यादा दूर है मेरे लिए तो, लेकिन भाई हम जो ये रोबोटिक्स कार में बैठेंगे तो बहुत ही ज़्यादा जल्दी से पहुंच जाएंगे। लेकिन भाई मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि माइकल अब अपनी फोर्स को क्यों नहीं बुला रहा है। लग रहा है भाई एक तरह से कि माइकल जनरल मारा ना जाएगा, ठीक है, तो मुझे उसे जरूर जरूर बचाना ही पड़ेगा यार जल्दी से। और गाइस क्या स्पीड चला रहा है भाई ट्रेवर, हैट्स ऑफ यार, बहुत ही तेज चला रहा है कार। और गाइस ये वाली जो रोड है वो बिल्कुल ही बिल्कुल स्ट्रेट मिल गई है, ट्रैफिक ना के बराबर है, एक दो गाड़ी चल रही है बस। और भाई इसी में जो है मैं अपनी कार को बहुत ही ज़्यादा टेस्ट भी कर लूँगा। तो इसकी मैक्स स्पीड दोस्तों 300 तक जा रही है, आप लोग देख सकते हो। और ब्रेक मार के मैं यहाँ से जल्दी से आप लोगों को डायरेक्ट वहीं पर मिलता हूँ, क्योंकि अगर मैं रोड में ही चलता रहा तो काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है निकल सकता है, और जिसके कारण दोस्तों माइकल मारा भी जा सकता है, ठीक है। तो फाइनली गाइज हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं। अब दोस्तों ट्रेवर ने, ओ भाई यहाँ पर आप लोग सफ़ेद हाथी, ओ भयंकर कितना खतरनाक हाथी था भाई। अभी ये सब देखने का समय नहीं है, अभी सिर्फ और सिर्फ मेरे को माइकल और उसके डॉग को बचाना है, ठीक है, जो कि जर्मन शेफर्ड है, ठीक है। मतलब वो लोग वहाँ पे गए होंगे, इन्होंने किडनैप करके हेलीकॉप्टर पर इनको यहाँ पर जो है लेके आए होंगे मेरे ख्याल से। तो गाइज सामने की तरफ में आप लोग 4 हेलीकॉप्टर या 5 हेलीकॉप्टर आगे की तरफ में रखे हुए हैं, जिसमें भाई बंदे लोड होके आए होंगे। और यहाँ पर गाइज आप लोग देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बंदे यहाँ पर हैं, ठीक है। तो यहां से जल्दी से मैं स्नाइपर राइफल निकालता हूं और आगे की तरफ मैं देखता हूं कि भाई चल क्या रहा है, ठीक है। तो गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि कितने अभी यहाँ पे 4-5 बंदे आप लोगों को दिख रहे होंगे। और भाई माइकल जो है अप एंड डाउन हो रहा है, नीचे की तरफ में अरेस्ट पोजीशन पे है बिल्कुल। और वहाँ पे जो बंदा है वो है दोस्तों टेररिस्ट का भाई, वो मेन टेररिस्ट नहीं है, मेन टेररिस्ट तो दोस्तों कोई और है, ऐसा दोस्तों लेस्टर ने बताया। और भाई इसको पता नहीं इन्फॉर्मेशन मिल गई है वाली, अब जल्दी से भाई मेरे को अंदर चलना पड़ेगा। तो भाई मैंने लेस्टर को बता दिया है पूरे की बारी पूरी बात कि मैं यहाँ पे तुम्हारे यहाँ पे पहुँच चुका हूँ, अब जब जल्दी से मेरे को वहाँ पे अंदर जाके से बचाना पड़ेगा, ठीक है। लेस्टर ने बोला ठीक है कोई बात नहीं, जितना भी जो भी डॉग्स वगैरह जितने भी हैं उसको मैं ले जाऊँगा, तुम अभी माइकल जनरल को सेव करो, ठीक है। ये काफ़ी बड़ी बात है, लॉस सेंटोस के काफ़ी ज़्यादा हमको जो है वो मिल जाएंगे चीट्स वगैरह, और उसके ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा सीक्रेट्स हैं वो सारे दोस्तों जो है माइकल बता सकता है, जिससे हम कभी अब बेफालतू में जब हम गैंगस्टर बने कभी भी अगर कुछ भी गलत काम हो तो हम जल्दी से लेस्टर और जल्दी से उसको जो है क्लिक कर पाए, ठीक है। अब लेस्टर दोस्तों बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से एक तरह से वो बन चुका है यहां पर एजेंट के अलावा दोस्तों हैकर तो पहले से ही वो बहुत बड़ा था ही, और उसके दिमाग के क्या कहने हैं भाई, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों लेस्टर बहुत ही ज़्यादा खुश है अभी हम लोगों से, ठीक है, क्योंकि हम तीन उसके लिए बहुत बढ़िया बढ़िया काम करते रहते हैं, ठीक है। तो फाइनली आप लोग यहाँ पे देख सकते हो पहला मेरा काम है कि उसके बंदे को जो है जो मेन बंदा है उसको जाके स्टन गन से दोस्तों मार देना है, मतलब उसको बेहोश करना है, ठीक है, उसको लेके नहीं जाना है। लेकिन अगर मर गया तो बात अलग है दोस्तों। तो अभी माइकल की तरफ मैं आप लोग देख सकते हो, जल्दी से भाई मैं आगे जाता हूँ अपनी स्पेशल एबिलिटी लगा के। तो गाइज आप लोग देख सकते हो यहाँ पर इन्हें अभी पता नहीं लगा भाई क्या तुम करोगे भे। तो गाइज इन्होंने मुझे मारना शुरू कर दिया है, लेकिन अभी थोड़ा सा मेरा जो आर्मर ये रहा भाई, बंदा मिनी गन लेके बैठा हूँ तेरी ऐसी किसी तरह। सबसे पहले मैंने इसे यहाँ पे क्लिक करके मार दिया है। अब गाइज इनकी बारी आ गई है, अब मुझे समझ में नहीं आता जब ये 4 बंदे रहते हैं, 4 के बाद ये हरामी कहीं के इतने ज़्यादा बंदे कैसे आ सकते हैं मेरे को समझ में नहीं आता। गाइज आप लोग देख सकते हो यहाँ पर, ओ भाई साहब कितने ज़्यादा बंदे यहाँ पर आ चुके हैं। और ये गाइस ये जो पट्टा बांध के आते हैं ना ऊपर, वो बाइक में बहुत ज़्यादा फनी लगता है इन लोगों का। और गाइस अभी मेरे को ना बिल्कुल फालतू बातें नहीं करनी यहाँ पर, वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक यहाँ पे सीन जो है बन रहा है भाई, ठीक है। मतलब माइकल को मैंने खुद ही बोला था सेव करने के लिए, वो भाई पूरी की पूरी स्पेशल एबिलिटीज ने बंदे ने लगा दी है, इसके कारण जो इसकी पावर नहीं जाती है, ठीक है। लेकिन भाई पिक्सल काफ़ी ज़्यादा फट जाते हैं इसके पावर स्पेशलिटी पावर में, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन हम जो है इनको सबको लगातार मारते जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जल्दी से मैंने जो है ग्रेनेड लॉन्चर निकाल के पहला फोड़ दिया है, दूसरा फोड़ दिया है, और दूसरे फोड़ने के बाद तीसरा भी मैंने यहाँ पर इसको जो है ब्लास्ट कर दिया है, और इनका पहला हेलीकॉप्टर भी ब्लास्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों बचाने का तो ये था, लेकिन भाई माइकल का है मुझे समझ में नहीं आ रहा है अभी, ठीक है। माइकल पता नहीं कहाँ चला गया है, लेकिन भाई मैं एज अ माइकल बन के खेलता हूँ अभी यहाँ पर, क्योंकि भाई यहाँ पर माइकल में अगर मैं स्विच करूँगा तो मेरे को पता लग जाएगा कि माइकल है कहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो गाइस अभी मैं लगातार यहाँ पर मारते जा रहा हूँ। टॉप तो यहीं पर खड़ा दोस्तों जर्मन शेफर्ड, जो कि काफी ज्यादा वो है एक तरह से अग्रेसिव में है, खड़ा ही हुआ है भाई, मार नहीं रहा है। और अच्छा हुआ भाई इसने इसको किसी को गोली नहीं लगी, क्योंकि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 ही जर्मन शेफर्ड हैं, जो कि एक बहुत ही बढ़िया बात है, ठीक है। 3 जर्मन शेफर्ड हैं, अबे तेरी ऐसी किसी इधर आ, सबको मैंने मार दिया, कहाँ पे अकेला घूम रहा है। उसको गोली मारते मारते दोस्तों मैं नीचे लेके जाऊंगा, वो पूरी की पूरी स्पेशल एबिलिटी दोस्तों चिल्ला चिल्लाते कर दिया। अब जल्दी से मैं माइकल पे स्विच हो जाता हूँ।
तो ओके गाइस, माइकल जो है पीछे जाके नीचे छुपा हुआ था, छुपा रुस्तम निकला भाई, माइकल भी एक तरह से, और माइकल ने भी नीचे वाले बंदों को सबको डाउन करके ऊपर से आ चुका है। और गाइस काफी ज्यादा अभी खुश है कि भाई ट्रेवर ने जो है उसे बचाया, ठीक है। तो भाई माइकल ने जो है एकदम से मतलब ट्रेवर ने जो है माइकल को बचा लिया है, और साथ ही साथ उसके कुत्ते जर्मन शेफर्ड को भी बचा लिया है। और यहाँ पर जर्मन शेफर्ड को काफी ज्यादा गुस्सा भी आ रहा है एक तरह से, मतलब माइकल जर्मन शेफर्ड पर गुस्सा कर रहा है, क्योंकि वो उसको क्यों यहाँ पर लेके आ गए मुझे समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। बहुत ही मुश्किल से दोस्तों जर्मन शेफर्ड आया लॉस सैंटोस पर, उसके बाद कभी इनके स्टॉक बंद भी हो जाते हैं, ठीक है। तो जो जर्मन शेफर्ड है दोस्तों, अब उसको जो है लेस्टर लेके यहां से निकल जाएगा। जल्दी से मैं इसको लेके चलता हूं मिलिट्री बेस पर, और मिलिट्री बेस के बाद हम लोग को दोस्तों एक प्लान मेरे दिमाग में आ रहा है, आप लोग जरूर से कमेंट करके बताओ, क्या हमें दोस्तों ट्रेवर को भी अपने साथ आर्मी में कर लेना चाहिए शामिल कि नहीं कर लेना चाहिए, जरूर कमेंट करके बताओ भाई, ठीक है। मजा आ जाएगा भाई अगर माइकल और ट्रेवर दोनों भाई हमारे साथ आर्मी में जुड़ जाते हैं। ओ गाइस, मैं डायरेक्ट फाइनली यहाँ पे पहुंच चुका हूँ। तो यहाँ पर इसने बोला है यू आर इन द फोर्ट जनाडो, नो फ्लाई जोन, डाइवर्ट, यू विल बी शॉट डाउन, ठीक है। अबे यार इनको पता नहीं है कि मिलिट्री जनरल की कोई इज्जत ही नहीं है यार, मतलब मैं यहाँ पर फाइनली अभी आया हूँ, पर टेररिस्ट का जो प्लेन लेके आया हूँ मतलब हेलीकॉप्टर, तो उनको जो है शक हो रहा है, ठीक है। कोई बात नहीं, अब हमें कोई नहीं मारेगा। तो फाइनली इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन को और पर टिक करो। जरूर से कमेंट करके बताओ मुझे कि यार ट्रेवर को भी आर्मी में रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।